चलिए, हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन किया था कल, और मैंने बताया था ये एडजेक्टिव इसके साथ लगते हैं, ये एडजेक्टिव इसके साथ लगते हैं, बताया था ना कि एवरी सिंगुलर काउंटेबल के साथ लगाओ, ये सब बताया था, मच अनकाउंटेबल के साथ, मैनी, मच किसके साथ बताया था, ऐसे नाउन जो अनकाउंटेबल हो, और मैनी ऐसे लिटल, और फ्यू, ये सब बताया था ना। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे। एक चीज है, देखो क्या कॉन्सेप्ट है, मैं यह कॉन्सेप्ट ही लिख देता हूं पहले। अनकाउंटेबल नाउन ना बहुत दिन तक अनकाउंटेबल नहीं रहते। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन बी चेंज्ड इनटू काउंटेबल, टू काउंटेबल बाय एडिंग सम यूनिट बिफोर देम। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन बी चेंज इनटू काउंटेबल नाउन्स बाय एडिंग सम यूनिट बिफोर देम। ये एक बार नोट कर लो, फिर बात करते हैं ये क्या चीज है। देखो ये डेफिनेशन, इसका मतलब क्या है, मैं बताता हूं क्या मतलब है। जैसे देखो चेयर है, चेयर मुझे ना ज्यादा चेयर मंगवानी है, मतलब 6 चेयर मंगवानी है, और तो मैं यहां इसके आगे नंबर लगा सकता हूँ, न्यूमेरिकल नंबर, चेयर से पहले, फिर एस बी बॉय से पहले, क्योंकि ये काउंटेबल वर्ड है, काउंटेबल ना उन वही होते हैं जिनका आगे नंबर लग जाए। बट किसी को पानी मंगाना है मान लो, वो कैसे मंगाए बेचारा, वो तो कहता है मैं तो ऐसे नहीं कर पा रहा सर। अब बताओ वो कैसे मंगाए, कह रहे सम या फ्यू लगा के मंगा ले, इससे एग्जैक्ट नहीं मंगा पाए। ऐसे तो ये भी मंगा सकता हूं, सम चेयर्स फ्यू चेयर्स, एग्जैक्ट बताओ छे क्या, छे ऐसे कर सकते हो कि आप ना 6 के आगे एक ऐसा नाउन लिख सकते हो जो काउंटेबल हो, और फिर वाटर लिख सकते हो, तब तो बात बन जाएगी। यही सिखा रहा था, जैसे कल किसी से मैंने पूछा मनी काउंटेबल है, कहता हाँ गिनते हैं, अरे नंबर लगा के दिखा, रुपी के आगे नंबर लगता है। मैंने कहा किसी को गोल्ड काउंटेबल है, कहता हाँ नंबर तो, अरे वो 6 ग्राम के आगे लगता है, ग्राम हुआ ना काउंटेबल नाउन, गोल्ड थोड़ा हुआ, जिसके आगे नंबर लगे वो नाउन हुआ काउंटेबल। अब बताओ, तो वाटर के आगे तो नहीं लग सकता, बट आप ऐसे नहीं कर सकते, ग्लास के आगे लगा दो, लीटर के आगे लगा दो, ग्लासेस आ जाएगा अब प्लूरल, क्योंकि नंबर लग गया तो प्लूरल होना ही है, एक से बड़ा है। अब वाटर लिख दो, अब ये गिन पाओगे। तो यही कॉन्सेप्ट है, अनकाउंटेबल नाउन को गिना जा सकता है, व्हेन, कब, जब उनसे पहले कोई यूनिट लगा के काउंटेबल नाउन चिपका दिया जाए, हो गया। अब एक रुक जाओ, ये तो फ्री में लगा हुआ न्यूमेरिकल डिटरमिनर है या एडजेक्टिव है, बट ये तो नाउन है और ये भी नाउन है, दो नाउन तो साथ आ ही नहीं सकते, क्यों, आपस में लड़ेंगे, तू सब्जेक्ट है या मैं सब्जेक्ट हूं, तू ऑब्जेक्ट है या मैं ऑब्जेक्ट हूं, क्योंकि नाउन का काम क्या है, सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना, क्या काम है, सब्जेक्ट बनना या, तो दो नाउन एक साथ कभी नहीं आ सकते जब तक कंपाउंड नाउन ना हो, स्विमिंग पूल, वॉशिंग मशीन, ऐसे बताओ अब क्या करें। नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकते हैं, दो नाउन साथ, बताओ फिर बीच में क्या लगाऊं, बीच में क्या लगाऊं कि एक दूर हो जाए। अरे कभी दो नाउन आ सकते, ऐसे लिख सकते हो राम क्रिकेट, दो नाउन कैसे लिख सकते हो, एक बनेगा ना, नाउन का काम है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना, दो कैसे आ सकते हैं, अब बताओ क्या करूं। एक टॉपिक है प्रीपोजिशन, जिससे एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एक ही सब्जेक्ट रह जाएगा, तो बीच में क्या लगा सकते हो, प्रीपोजिशन, जो दो नाउन को अलग कर सकती है, हो गया। अब एक ही सब्जेक्ट है इन दोनों में से, बताऊं कौन सा, कौन से वाला, ग्लासेस, क्यों, क्योंकि वर्ब के बाद नाउन पड़ा उसे भी ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और प्रीपोजिशन के बाद नाउन पड़े हो उन्हें भी ग्रामर में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो एक ही सब्जेक्ट बच गया, ग्लासेस। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, इज या आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, बताओ कौन है सब्जेक्ट दोनों में से, नाउन तो दोनों ही है, दोनों का काम होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना, पर ये ऑब्जेक्ट है, ये है। अब आर आ गया, तो देखो वाटर के बाद आर आ पाया, यही तो मैं सिखाना चाहता था, अनकाउंटेबल नाउन के बाद भी काउंटेबल
काउंटेबल वाले काम हो सकते हैं। कौन से काउंटेबल वाले काम? कि इनके बाद इज और आर मजे से आ सकता है। जैसे काउंटेबल के बाद आता है, इनके बाद भी आ सकता है। कैसे? मान लो एक गिलास मंगाया पानी का, क्या आएगा? छह मंगाए तो लो, काउंटेबल वाला काम हो गया। पर इनको प्लूरल मत करना, यूनिट कर लो। तो बताओ अनकाउंटेबल नाउन भी गिने जा सकते हैं? कब? उनसे पहले कोई यूनिट नहीं। यही कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं। आई इतनी बार से ये बात नोट कर लो, ठीक है, कि यहां ऐसे ऐसे करके बनाया जा सकता है यूनिट लगा के। ये सेंटेंस है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस, इसे सोल्व करना है आपको, ठीक है। क्या करना है इनके साथ? देखो, मैनी फर्नीचर्स, गलत है या सही है? इतना सा वर्ड सही है। ये मैनी नाम का डिटर्मिनर इस नाउन के साथ नहीं लगता, क्योंकि फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन और मैनी लगता है प्लूरल नाउन काउंटेबल के साथ। गया ये? सही करो। क्या लगेगा? एक तरीका इसे सही कर दो, मच लगा दो। ये गलत है, क्या लगा दो? मच और फर्नीचर में से ऐसे हटाओ। वर्ब क्या आएगी? सब्जेक्ट कौन है? ये तो फ्री में लगा हुआ एडजेक्टिव डिटर्मिनर। अनकाउंटेबल नाउन खुद भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। एक तरीका ये हो गया। तो ये तो वही तरीका हो गया कि आपने मच लगा के अलग ही एडजेक्टिव लगा दिया, ये तरीका। पर ऐसे ही करेगा ठीक तो एग्जाम में? मैं नहीं, गलत है, मच लगाओ, यही एरर आता है। पर मैं चाहता हूं ये लगा रहे तो कैसे ठीक हुए? मैं नहीं लगा रहे, जैसे एक तो तरीका था सर छह पानी मत बोलो, गलत है, मिटो ही दो। मैं कहता हूं छह लगा रहने दे। अब ऐसा काम करो ना, यूनिट लगा दो। मैनी के आगे एक ऐसा नाउन क्यों नहीं लिख देते जिससे मैनी खुश हो जाए, जो लगता है असली में मैनी के साथ, समझी? या मैनी लिखा रहने दो। मैंने यूं कहा था छह पानी गलत है, तुमने कहा था छह हटा दो। मैं कहता हूं मैं नहीं हटाता, तो मैं क्या कर सकता हूं? छह के आगे एक ऐसा नाउन लिख दूंगा जो लगता है। तो मैनी के आगे एक ऐसा नाउन लिख दो जो लगता है। कौन सा लिख दूं? बिना बात के मत लिख दो, कोई यूनिट वाला लिख दो। फर्नीचर कैसे नाप सकते हैं? जैसे पानी ग्लास में, लीटर में, फर्नीचर कैसे बोलोगे? बहुत तरह का फर्नीचर, मेनी टाइप्स या काइंड्स, ये तो लिख सकते हो। क्या आएगा? मैं नहीं लिखना चाहते हो लिख लो, पर टाइप के आगे लिखो, फर्नीचर के आगे कोई नहीं लिखने देगा। अब यहां फर्नीचर है, अब दो नाउन साथ आ नहीं सकते। अब वर्ब बताएगा कोई बच्चा? इज आएगी, आर आएगी, क्योंकि अब सब्जेक्ट फर्नीचर नहीं है। अब सब्जेक्ट कौन है? ये तो प्रीपोजिशन के पीछे छिप गया, इसे ग्रामर कहती है ऑब्जेक्ट। तो ओरिजिनल सब्जेक्ट कौन है? ये तो फ्री में लगा हुआ डिटर्मिनर एडजेक्टिव है, तो सब्जेक्ट तो नाउन प्रोनाउन, ये रहा। अब वर्ब क्या आएगी? बट पहले सेंटेंस में मच के साथ लगाया तो सब्जेक्ट कौन था? तो इजी लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन, तो खुद भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट, एडवाइस, ऑब्जेक्ट की जगह पे पूछ लिया मैंने, सब्जेक्ट की जगह पे नहीं पूछा। नाउन तो सब्जेक्ट भी बनते हैं, ऑब्जेक्ट भी बनते हैं, बताओ। अब तुम्हें अब वर्ब की मुसीबत नहीं है, क्योंकि वर्ब की मुसीबत ही है सब्जेक्ट ही ने अपनी ले ली जो V2 लेनी थी, छोड़ो। ये आगे वर्ब लेगा नहीं, तो ऑब्जेक्ट है, बस इसे नाउन की शक्ल ठीक करनी। हाँ, एरर देखो क्या है, ए रुक जाओ लिटल, ए का मतलब क्या है? एक लगता नहीं ना, एक तुम्हारे पे रास्ता है, इसे मिटो के पीछा ही छुड़ा लो, गलत है। एक तो तरीका क्या है? हटा दिया। अरे हटाना इलाज नहीं होता, अगले ने एक एडवाइस मांगी है तो मांगी है भाई, हटाना क्या? अगले ने छह गिलास पानी मांगे, छह हटा दोगे? नहीं हटाओगे, गिलास लगा दोगे। तो मैं कह रहा हूं उसने एक एडवाइस मांगी है, तो मैं चाहता हूं ये हटे ना, इसके साथ वो नाउन आ जाए जिसके साथ ये डिटर्मिनर लग सकता है। बताओ एडवाइस कैसे मांगोगे? कोई भी नाउन मत लगा देना, यूनिट। एडवाइस कैसे मांगते हैं? इंफॉर्मेशन, एडवाइस हो या इंफॉर्मेशन हो या काम हो, वर्क, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, पर इनकी यूनिट होती है पीस। क्या होती है? पीसिस ऑफ वर्क। अर्जेंट पीस ऑफ वर्क नहीं बोलते थे बचपन में? आई हैव अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। बताओ ए तो लगा रहेगा, ये लो
अब एडवाइस को तो नहीं टच कर रहा ना ये, ठीक है इसको कर रहा है तो काउंटेबल नाउन है, इसके आगे तो लग सकता है पीस पीसिस। अब दो नाउन साथ नहीं आ सकते क्योंकि आपस में लड़ेंगे, तू ऑब्जेक्ट है या मैं ऑब्जेक्ट हूं, तो एक को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दो या कुल मिला के एडजेक्टिव कहते हैं अगर डीप नॉलेज है तो, बताओ जल्दी, समझ गए। नेक्स्ट क्या कहा अभी, इंफॉर्मेशन एडवाइस और वर्क को ना पीस में मांगते हैं। हाँ ये गलत क्यों है बच्चे, गलत है ना, नंबर नहीं लगता, क्या करूं फिर, इसके आगे एक ऐसा नाउन लगा दो जिसके आगे नंबर लगता है। नेक्स्ट ये गलत है, अच्छा जो चीज सही है उसे भी गलत करोगे। एक सेकेंड, ये ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि इससे चीजें बनती है, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं सारे, मटेरियल जिनसे चीजें बनती है वो अनकाउंटेबल है, जो भावनाएं है वो अनकाउंटेबल है, ब्रेड एक मटेरियल नाउन है क्योंकि इससे बनती है, सैंडविच बनता है, अनकाउंटेबल है, प्लूरल नहीं होता। इसके आगे कौन सा एडजेक्टिव लगाया हुआ है, सम, क्या सम भी नहीं लगता, सम वाटर नहीं होता, तो जो चीज सही है उसे भी कहोगे यूनिट दूंगा मैं तेरे को, तेरे को कोई और नाउन दूंगा, अरे सम कहता है मैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले लगता हूं तो मैं सही हूं सेंटेंस। लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं, पर ये गलत कहा है, उसने लिख दिया ही गेव मी सम वाटर, गलत है, ही गेव मी सम वाटर सही है। नेक्स्ट, इधर दिक्कत है, मैनी काउंटेबल के साथ आता ही आता है, अब ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन होता है, ऐसा हटाओ पहले तो, अब और भी इलाज करो, ये गलत है, लग रहा है ये नाउन के साथ ऐसा डिटर्मिनर नहीं लगाते, या तो मच लगा के पीछा छुड़ा लो, पर मैं चाहता हूं मैनी लगा रहे, तो बीच में एक ऐसा नाउन लगा दो जिससे मैनी खुश हो, जिसके आगे लगता हो, ब्रेड स्लाइस में, पीस में, लोफ्स में, टुकड़े में, लोफ्स बोलो, मैनी स्लाइसिस भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैनी ब्रेड नहीं बोलते घर पे, चार ब्रेड दे दो गलत है, क्या बोलना चाहिए, चार स्लाइसिस ऑफ ब्रेड दे दो, आई बात समझ, क्या आएगा, जैसे किसी ने कह दिया चार चाय ले आ, गलत है, चार कप चाय है ना, क्या आएगा, मैनी, चलो स्लाइसिस के आगे लगता है, पर ब्रेड को अलग करो क्योंकि दो नाउन बच्चे साथ नहीं आ सकते, क्योंकि एक ही जना ऑब्जेक्ट बनेगा, या ये आपस में लड़ेंगे, तू ऑब्जेक्ट है मैं ऑब्जेक्ट हूं, क्योंकि नाउन का काम है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना, खत्म, बात क्या आएगा, हो गया ठीक, बस यही है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मान लिया ए नहीं लगता, तो आपका काम ये नहीं है, मिटो दो, पता कैसे लगेगा भाई, एक एडवाइस का पीस मांग रहे वो, तो आप क्या कर सकते हो, इसके आगे एक ऐसा नाउन लिख दो जो काउंटेबल हो, ऐसे ठीक करना, ये नहीं ए मिटो जाऊंगा मैं, तो मैनी का ज्यादातर मच से ही ठीक करता है, मैनी हटाता है क्या लगा देता है, मच, अगर अनकाउंटेबल है तो, पर ये वाले क्वेश्चन कैसे ठीक होते हैं एडवाइस वाले, ए को आगे क्या लिख सकते हो, पीस ऑफ एडवाइस, भाई ए लगा रहेगा पर तेरे आगे कोई काउंटेबल नाउन लिख देंगे अगर तेरे को अनकाउंटेबल नाउन नहीं लेना तो, समझ गए ना ये बात, तो ये इस पे था, ठीक है ये नोट कर लो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते, देखो हम क्या है नेक्स्ट, जैसे मैंने यहां लिखा है एक सेंटेंस, शी इज अ ब्यूटीफुल्स गर्ल, ऐसे लिख के छोड़ दिया, शी इज अ ब्यूटीफुल्स गर्ल, इसमें अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं, ये बच्चे सब्जेक्ट है, ये आपकी मेन वर्ब है, ये आर्टिकल और ये एडजेक्टिव दोनों के दोनों क्या कहते हैं नाउन के लिए आते हैं, दो नाउन साथ नहीं आ सकते पर डिटर्मिनर एडजेक्टिव कितने भी आ सकते हैं, चलो एरर बताओ, ब्यूटीफुल में रीजन बताओ, ये रीजन दोगे, आधे से ज्यादा बच्चे ये रीजन देते हैं, कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन है ब्यूटीफुल हटा दो, नाउन है वो, चेक तो कर लो टॉपिक कौन सा है,
तो इसमें नाउन के रूल क्यों लगा रहे हो, काउंटेबल अनकाउंटेबल वाले? प्रीपोजिशन में भी यही करोगे, काउंटेबल कंजंक्शन भी काउंटेबल है, वर्ब भी काउंटेबल, अरे एक ही टॉपिक है काउंटेबल नाउन, ये नाउन है। पोजीशन से देख लो, गर्ल है नाउन, तो इसमें क्यों गर्ल को कह सकते थे काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? एडजेक्टिव में ये काम क्यों कह रहे हो काउंटेबल है? रीजन बताओ ऐसे क्यों हटेगा, ये रीजन फेल हो गया काउंटेबल अनकाउंटेबल वाला। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सोच रहे थे क्या इसको? डिफरेंस देखो, ये थोड़े थोड़े होते हैं डिफरेंस। ब्यूटी ब्यूटीफुल, ओनेस्टी ओनेस्ट, बहादुरी ब्रेवरी ब्रेव, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं दिख रहा कौन सा एडजेक्टिव और कौन सा नाउन है दुनिया में। नाउन मतलब किसी चीज का नाम, एडजेक्टिव मतलब किसी नाम की विशेषता। कौन सा नाउन है, सुंदरता या सुंदर? सुंदर नाउन है, ये ऐसे भी दिमाग नहीं लगा सकते थे कि कौन सा वर्ड नाउन से पहले लगता है। गुड बॉय, ये फिट बैठ रहे ना नाउन से पहले, ये तीन वर्ड फिट बैठे ना, तो ये एडजेक्टिव हुए। इनसे पहले गर्ल फिट है, ब्यूटी गर्ल, ओनेस्टी गर्ल, ब्रेवरी गर्ल, बहादुरी लड़की, ईमानदारी लड़की, सुंदरता लड़की, फालतू लग रहा है ना? पता है क्यों फालतू लग रहा है? क्योंकि ये भी नाउन और लड़की भी नाउन और दो नाउन साथ, ये क्यों फिट बैठ गया? क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव तो आ सकता है, तो कौन है एडजेक्टिव? ये वर्ड विशेषण है, सुंदर ये किसी की विशेषता है, ईमानदार ये किसी की विशेषता, बहादुर, बट ये भाववाचक, ये किसी चीज का नाम है। ओनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सब्जेक्ट बनकर आया ना, बहादुरी सुंदरता ये दुनिया में नाम है। हिंसा, हिंसक, लगाओ दिमाग कौन नाउन है कौन एडजेक्टिव है, रूट वर्ड से भी बता सकते हो, बेसिक में बता रखा है सारा, बताओ। हिंसा एक बुराई का नाम है, हिंसक किसी आदमी की विशेषता हो सकती है, समझे बात? तो ब्यूटीफुल को ना बोलो कि ये अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए ऐसा हटाऊंगा, बोलो तो गर्ल को बोल लो काउंटेबल अनकाउंटेबल बेचारी को, इसको क्यों बोल रहे, तो एडजेक्टिव है। अब बताओ क्यों हटा एस, तुम क्या कह रहे थे एक लड़की है इसलिए एस हटा, तो एक ही लड़की है, मैंने कब ज्यादा कर रखी है, एक है जब ही गर्ल लिखा है। अच्छा गर्ल्स लिखूंगा तो ब्यूटीफुल्स आ पाएगा कि गर्ल्स ज्यादा कर दू तो ब्यूटीफुल्स आ जाएगा? अरे एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव है। हाँ बताओ क्यों हटाया इस, दो टॉपिक हैं जो सिंगुलर प्लूरल होते हैं ग्रामर में, बताना वो दो टॉपिक, नाउन बॉय बॉयज गर्ल गर्ल्स, दूसरा टॉपिक है वर्ब, और कोई टॉपिक सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता। ब्यूटीफुल के आगे एस लगाने से वो ज्यादा सुंदर नहीं हो जाएगी, गर्ल के आगे एस लगाने से वो ज्यादा हो जाएंगी, तो इस एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव कभी प्लूरल, अगर किसी को ज्यादा सुंदर करना है ना, ज्यादा ईमानदार करना है, तो एस लगा के नहीं होगी, उसके आगे एक एडवर्ब लगा दो, क्योंकि एडजेक्टिव एडजेक्टिव को ज्यादा पता है कौन सा टॉपिक करता है, एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, नाउन की एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की एडवर्ब, यूं लिख दो भोगी ज्यादा सुंदर, ऐसे कर सकते हो, ये नहीं तुम ऐसे लगा के ज्यादा कर दो, या फिर इनकी डिग्री होती है, दो तीन जनों से कंपैरिजन करना हो तो गुड बेटर बेस्ट ब्यूटीफुल मोर कंपैरिजन, पर ज्यादा करना है तो इसके आगे क्या लगा के ज्यादा कर सकते हो? एडवर्ब होता है ये, नाउन, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की डिग्री बढ़ाता है एडवर्ब, ये हो सकता है। समझ गया इसकी हटा रीजन क्यों हटा इस, आई बात समझ, ये कौन सा बात समझ है? तो क्या लिख लो, एडजेक्टिव कांट बी प्लूरल, लिखो कॉन्सेप्ट, एडजेक्टिव कांट बी प्लूरल, नहीं हो सकते। बताओ इसमें एरर क्या है, एक चीज पूछता हूं, ध्यान से सीखना इन चीजों को। मैंने एक सेंटेंस, ये वर्ड ही लिख रहा हूं, सेंटेंस नहीं, अभी 24 आर या 24 आवर्स कौन सा सही है? 24 ये क्या होता है, ये जो नंबर होता है ये क्या होता है ग्रामर में, और ये क्या होता है? नाउन है, नाम है, मिनट आवर सेकंड, और ये क्या चिपका हुआ है? डिटरमिनर या एडजेक्टिव जो मर्जी बोल लो, ठीक है, एक से बड़ा है,
तो ऐसा लगना है, या तो अनकाउंटेबल हो तो नंबर ही ना लगता, काउंटेबल है तो नंबर लगता है, और एक से बड़ा हो तो ऐसे आईएएस भी लगता है। टू बॉयज 24 घंटे, कौन सा सही है दोनों में से, कौन सा सही है? यही सही हुआ। ठीक है, अब रुक जाओ, अब मैं ना इनके आगे ना एक नाउन और लिख रहा हूं। क्या लिख दिया? एक नाउन और लिख दिया। क्या लिख दिया? अब बताओ, 24 आवर। अब क्या गलती है? अब बहुत बड़ी ब्लंडर हो गया यहाँ पर। बताओ क्या, दो नाउन नहीं आ सकते, कह रहे बीच में ऑफ आएगा। ठीक है, देखो अब ये कह रहा है ये नाउन आ गया, दो नाउन साथ आ नहीं सकते, बिल्कुल ठीक बात है। बट ऑफ जब आता है ना तो साउंड भी आती थी ऑफ की, ठीक है, ऑफ की साउंड आती थी तब की, अच्छा नहीं लगता। जैसे मैंने लिखा मोहन, ऐसे लिख दिया बुक मोहन, ये क्या बुक मोहन। 24 ग्लासेस पानी, ऑफ वाटर पानी के, ऐसे। बट कई वर्ड ग्रामर में ऐसे हैं, जैसे उनके आगे अगर कोई न्यूमेरिकल नंबर हो और एक नाउन लगाओ, और उसके आगे क्या लगा दिया जाए, एक नाउन और लगा दिया जाए, तो ये जो टॉपिक है ना बिना ऑफ के भी आ पाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसकी विशेषता बन जाती है, पूरा का पूरा ही कंपाउंड एडजेक्टिव, पूरी की पूरी क्या बन जाती है, एडजेक्टिव बन जाता है। हर बार नहीं बनता, कहीं सोचो यहां भी बन जाएगा सकता, अगर दो बुक लिख दूंगा तो कई कईयों में ये हो जाता है फिगर। क्या कोई न्यूमेरिकल नंबर हो साथ में क्या हो, और एक नाउन और लगा दिया जाए। अब कहोगे दो नाउन तो साथ आ नहीं सकते, पर कौन सा नंबर है ये, 2, 3, 4, 5 इस तरह का नंबर होना चाहिए। ये नहीं कि आप यहां पर कोई सम लगा रहे हो या कोई और लगा रहे हो, न्यूमेरिकल नंबर। तो ये पूरे का पूरा क्या बन गया, बस इतना बताओ, ये क्या है, इधर वाला तो नाउन रहेगा, ये क्या बन जाएगा, उसकी विशेषता बन जाएगी, होती है एटीएम की विशेषता, बताओ 24 घंटे वाला एटीएम हमारा, तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव, ये हो गया है इसमें। हर एक में ऐसा नहीं होता, कई कईयों में। जैसे एक और बताता हूं, दोनों में से बताना कौन सा ठीक है। यही ठीक है, 5 तारे। अब रुक जाओ, इसके आगे मेरा मन कर रहा है होटल लिखने का। कहोगे दो नाउन साथ नहीं आ सकते, हर एक में ऐसा नहीं होता, ये नाउन है बट ये अब नाउन रहा ही नहीं बच्चे, क्या बन गया ये नाउन रहा ही नहीं, ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया ये, हर एक में ऐसा नहीं होता, नाउन ही रहता है, ऑफ लगाना पड़ता है, पर इनमें ये है स्कीम कि होटल की विशेषता होती तो है 5 स्टार, ठीक है ना, 3 स्टार, तो ये विशेषता बन गई। अब बताओ ये तो क्या रह गया जो कॉर्नर पे है, नाउन, बट ये क्या बन गया पूरे का पूरा। इनमें हो जाता है ऐसे, ये पूरे का पूरा एडजेक्टिव है, ये नहीं 5 अलग 4 अलग, पूरा 5 स्टार एडजेक्टिव बन गया, और एडजेक्टिव प्लूरल। अब कौन सा ठीक है दोनों में से, 5 स्टार होटल, ऐसे ये था। अगर 24 घंटे तक बोलना है तो ये ठीक है क्योंकि ये नाउन है, बट एटीएम लगाते ये नाउन रहा ही नहीं बच्चे, क्या बन गया ये, जल्द से बताओ। हाँ बताओ अब, आई बात समझ नहीं आई, ये क्वेश्चन है, इसी पे बेस है, सोल्व करो। क्या है ये देखो, ही गेव मी 500 रुपीज, इसमें रुपीज नाउन है, कॉर्नर वाला तो नाउन रहेगा ही, और ये क्या है, न्यूमेरिकल, तो मैंने कहां प्लूरल लिखा है, मैंने लिखा है कहीं 500, सही है, इसमें कोई गलती नहीं, अभी नाउन आया ही नहीं, अभी तक तो सही है, आ गया हो, ही गेव मी 500 रुपीज नोट्स। अब एरर बताओ, पहले मेरे को बताओ, ये अभी तक तो नाउन होके खुश हो रहा था, इसके आगे एक नाउन और लगा दिया, नोट, और नोट की विशेषता होती है 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, 500 रुपी नोट, अब ये क्या बन गया बच्चे, बन गया, बन जाता है कईयों में, हर एक में नहीं बनता, कईयों सोचो 5 बुक्स मोहन, तो ये ना एडजेक्टिव बना लेंगे, हर एक में नहीं होता ऐसा, कईयों में होता है, मोहन की क्या विशेषता है, 5 बुक, फालतू बात है, ये तो ऑफ लगाना ही पड़ेगा।
अब बोलो ₹500 ये एडजेक्टिव बन गया ना, पूरा बन गया, ₹500 का नोट है, विशेषता बन गई नोट की, हट गया। और नाउन सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकते हैं, इनमें देखना पड़ता है कि एक लड़के की रिक्वायरमेंट है या दो सारे। अब देखो इस नाउन को ये भी क्वालिफाई कर रहा है और ये डिटरमिनर भी तो इसी नाउन के लिए आया है, ये भी देखो ये दोनों के दोनों एक तरह से एडजेक्टिव इसी को तो क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ए नोट मांगा है ना, तो ये एक लगता है, तो बॉय लिख के आते हो। नेक्स्ट रुपीज वाला ऐसे जाएगा और ठीक है, रुपीज वाला ऐसे जाएगा पक्का। इसमें से क्यों नहीं हटा? टू आ गया सर, आ गया। अच्छा दो नोट दे दिए, ये भी तो इसी को क्वालिफाई कर रहे हैं और ये भी इसी को कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ये ए तो इस नाउन के लिए आया, डिग्री कोर्स पूरा ही नाउन है, इसे कंपाउंड नाउन बोलते हैं, अलग अलग नहीं है, डिग्री कोर्स एक ही चीज है। ये क्या है, ये डिग्री कोर्स की क्या है विशेषता, क्या करूं? वैसे तो 5 इयर्स होता है पर अब क्यों नहीं हुआ, एक नाउन और आ गया तो मैं तो इसी को नाउन बोलूंगा और इधर वाले को क्या बोलूंगा? वैसे तो 20 इयर्स होता है बट सजा नाम का नाउन और आ गया तो ये सजा की विशेषता बन गई। ये दो करना, वो ठहरता है 5 स्टार होटल में ठहरता है और होटल में ऐसा आएगा क्योंकि एक में ही ठहरता है। अच्छा यहां बहुत सारे हैं, ये मैनी नाम का डिटरमिनर भी किसके लिए आया है, ये 5 स्टार भी किसकी विशेषता है, तो जितने भी एडजेक्टिव है पहले तो ऐसा हटा दो, हटा दिया। पर ये डिटरमिनर प्लूरल मांगता है ना नाउन, ये तो ठीक है, ये तो नाउन तो देखो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं बट एडजेक्टिव कभी भी। ये अलग कॉन्सेप्ट है, बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स नाउन है या एडजेक्टिव है? बॉडी पार्ट्स कान नाक हाथ नाम है, जब बोल ही दिया नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट नाउन है, आंख नाउन है, आई हैव टू आईज नाउन है। बट ये भी वही हरकतें कहती हैं, अगर हमारे हम नाउन है मान लिया पर हमारे बाद एक और नाउन आ गया ना सर्जरी वाला, तो तुम यूं मत कहना दो नाउन साथ नहीं आ सकते, हम एडजेक्टिव बन जाएंगी, बॉडी के पार्ट भी क्या कहते हैं, यूं मत कहना दो नाउन साथ नहीं आ सकते, वैसे तो नहीं आ सकते पर बॉडी के पार्ट्स वाले भी क्या कहते हैं और इस तरह का फॉर्मेट भी क्या कहता है कि हम एडजेक्टिव बन जाएंगे, सर्जरी की विशेषता हो जाएगी, क्या आंख की सर्जरी है, कान की सर्जरी, किसकी विशेषता हो जाएगी, बॉडी पार्ट। तो आंख वैसे तो नाउन होता है पर ये साथ में दो नाउन आ नहीं सकते, कहता है मैं अब नाउन रहा ही नहीं, बन जाता है। हर एक में नहीं होती ये स्कीम, कई चीजों में आई, ऐसा फॉर्मेट या बॉडी के पार्ट्स, क्या बन गया अभी आंख, एरर। ये ठीक है लेजर आर्ट टूल्स, ये सही है, आगे बात समझ, ये कॉन्सेप्ट नोट कर लो, एरर बताओ इनमें। वैसे किलोमीटर में ऐसे नहीं आता, 5 मीटर्स काउंटेबल नाउन है, नाउन है पर वोक एक नाउन बन गया, वोक वैसे वर्ब होती है, नाउन भी होता है, नाउन बन गया वोक यात्रा, तो ये क्या बन गया। नेक्स्ट अब भी यूं कहोगे ऐसे हटा दो, अब तो प्योर नाउन है ये है ना एडजेक्टिव, तो मैंने कहां ऐसा लगाया फिर फाइव्स, सही है, एरर बताओ इधर, नाउन में कोई एरर नहीं है, क्या बताओ वर्ब में हो बच्चे, सब्जेक्ट में कोई एरर नहीं है, ए भी सही है, ए तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस सिंगुलर है तो ये आएगा, गलत है, सुनते रहना। क्या 5 लड़के हो तो वर्ब इज लिखते हैं या आर, यहां तो चलो तुम कह दोगे सर सब्जेक्ट ये है इसलिए इज आया, इसमें कहोगे सब्जेक्ट प्लूरल है आर आएगा, रुको 5 बॉयज आर या इज, 5 लड़के खेल रहे हैं और एक लड़का है तो इज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। बट इस सेंटेंस को ध्यान से देखना है, कौन कौन से, अमाउंट, वेट,
डिस्टेंस टाइम AWDT, ठीक है। ये क्या है, ये पता है क्या कहते हैं, अगर हम अमाउंट सॉरी अगर हमारे से पहले जैसे ईयर्स है या कोई डिस्टेंस ले लो किलोमीटर, कितने किलोमीटर फिक्स कर दिए, फिक्स कर दिया ना, डेफिनेट कर दिए। जब भी किलोमीटर के आगे एक न्यूमेरिकल नंबर लगा के इन्हें फिक्स कर दिया जाता है तो ये कलेक्टिव वर्ड बन जाता है, जैसे कलेक्टिव नाउन नहीं होता कलेक्टिव, तो इनको आर नहीं मिलता, ये एक सिंगल यूनिट मानी जाती है इज, क्योंकि उधर भी वही चीज है। कैसे, पढ़कर देखो, 5 किलोमीटर, ये नहीं हो प्लूरल है तो आर लिख दूंगा, ये एक चीज है। क्या चीज है, 5 किलोमीटर एक लंबा डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर भी एक लंबा डिस्टेंस है, करोड़ किलोमीटर भी एक डिस्टेंस है, ये एक कलेक्टिव यूनिट बन गई है। उधर भी वही चीज होनी चाहिए, देखो आर्टिकल लगा है, एक सिंगल है, बीच में लिंकिंग वर्ब है तो सेम चीज नहीं आएगी। जैसे मैंने लिखा दिस, यहां सिंगुलर आएगा क्योंकि दिस सिंगुलर की तरफ इशारा करता है, तो ज्वाइन भी किससे होएगा, दीज प्लूरल है तो यहां भी क्या आएगा, चेयर्स, ज्वाइन भी किससे होएगा, लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ जब यहां डिस्टेंस एक है तो फिर ये आर कैसे हो सकता है, समझे बात, फिक्स हो जाता है ये तो। 5 किलोमीटर बच्चे आर नहीं आती वर्ब, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, इज एक लॉन्ग डिस्टेंस है, इसका मतलब ही नहीं है कोई, फिक्स है ये तो यूनिट, अमाउंट वेट डिस्टेंस या टाइम। नेक्स्ट बताओ, 500 rupees, ये तो सही है, ये कोई एडजेक्टिव है जो ऐसे हटा रहे हो। नेक्स्ट बताओ, इज आएगा, वेरी गुड, वही है ना टाइम की यूनिट, 5 साल से मतलब ना रखो, और 5 साल एक लंबा टाइम है, एक कलेक्टिव नाउन बन जाता है, समझ के बात, ठीक है। और किसी में नहीं होता, 5 boys तो आर ही आएगा, वो कोई यूनिट थोड़ा है कोई, आगे बात समझ। ये क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है ये, जितने भी हैं 5 questions ध्यान से करना, पहले बता रहा हूं मैं, आओ इस पे एरर बताओ फर्स्ट में, ये कैसे ठीक किया था, हटा दिया था एस, क्यों, नाउन तो ये है, ये तो है ही नहीं नाउन, ठीक है बताओ, ये तो ये जैसा एस हट जाएगा, क्यों, आगे नाउन आ गया, यही कहा ना तुमने, बस यही मेरे को समझाना था, कहते आगे नाउन आ गया ऐसे हटा दो, यही सिखाना है। आ जाओ, ओल्ड लॉन्ग ये क्या है, ये नाउन ही नहीं है बच्चे, पुराना नया